लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देवी, कौन है आप देवी, और यहां कैसे इस घनघोर जंगल में अकेली? क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूं? मैं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहता हूं, उनका कनिष्ठ शिष्य हूं। चिंता ना करें, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बहुत समीप है। क्या आप वहां चलना चाहेंगी? नहीं मुनि कुमार, मुझे तो अब यहां इस वन में अकेले ही रहना है, यही मेरे स्वामी की आज्ञा है। नहीं नहीं देवी, इस वन में हिंसक प्राणियों का निवास है, आपका अकेले यहाँ रुकना उचित न होगा। कृपया आप हमारे साथ ही चलें। तुम जाओ मुनि कुमार, अब अकेले रहना ही मेरी नियति है। मैं वन में बरसों रह चुकी हूँ और हिंसक प्राणियों को मित्र बनाना मुझे आता है। तुम मेरी चिंता ना करो, कृपा करके मुझे अकेला छोड़ दो। जैसे आपकी इच्छा। प्रणाम। मैं जानता हूं ये कठिन कार्य तुमने हृदय पर पत्थर रखकर किया है। अब तो भगवान शिव भाग्य की रक्षा करें। भैया भैया, यदि तुम ही इस तरह से टूट जाओगे तो हमारा क्या होगा भैया, हमारा क्या होगा भैया? नहीं, नहीं मेरे भाई, नहीं भैया, राम का है। तुमसे मिलने के पश्चात वह हमें महल में कहीं दिखाई नहीं दिए। प्रभु, कहाँ हैं आप? ये तो हनुमान का स्वर है, लगता है वो सुमेरे से लौट आए। भैया, हनुमान को ना बताना सीता पापी के बारे में, वे इस आघात को सह नहीं पाएंगे। प्रभु, प्रभु आप कहाँ हैं? चलो मेरे साथ। प्रभु,
सियाराम। जय श्री राम। तुम लौट आए हो? हाँ भैया, मेरा मन सुमेरु में बिल्कुल नहीं लगा, परंतु प्रभु श्री राम कहाँ हैं? हम भी उन्हीं को ढूंढ रहे हैं हनुमान। भैया, प्रभु श्री राम अवश्य माता सीता के पास होंगे, क्या आप लोगों ने उन्हें वहां देखा? कोई बात नहीं भैया, मैं प्रभु से मिलकर आता हूं। मैं अभी आता हूं।